हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज के शो में आप सभी को एंट ऑडियो ट्रिबल 1200 ब्लूटूथ हेडफोन का रिव्यू देने वाला हूँ। ये जो हेडफोन है हमारे पास एंट ऑडियो की तरफ से आया है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपने लिए बजट हेडफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सभी को इस हेडफोन का पूरा रिव्यू बता दिया है कि किस प्रकार की इसकी साउंड क्वालिटी, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि दोस्तों इस हेडफोन के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये है एंट ऑडियो ट्रिबल 1200 ब्लूटूथ हेडफोन। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं इस हेडफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी कैसी है। उससे पहले दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस हेडफोन में आप सभी को एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से दोस्तों आप इसके बेस को बूस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही में यहां पर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है, जैसे इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों, इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर है। इसमें आप सभी को 40 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। साथ ही में इसमें आपको 300 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है और इसका जो बैटरी बैकअप है वो 15 घंटे का है। तो चलिए दोस्तों, इस हेडफोन को जल्दी से हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है, जहां पर सबसे ऊपर आप सभी को जो मेन हेडफोन है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे निकाल के साइड में रख देता हूं। उसके अलावा दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं आप सभी को काफी सारा सामान देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं आप सभी को यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर दोस्तों आप रीड कर सकते हैं कि किस प्रकार से इस हेडफोन को यूज किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे साइड में रख देता हूं। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं आप सभी को एक वेलकम लेटर भी देखने को मिल जाता है, तो चलिए इसे भी मैं साइड में रख देता हूं। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये चीज मुझे एंट ऑडियो के साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि आपको सभी एंट ऑडियो प्रोडक्ट के साथ इस प्रकार का एक स्टीकर पैक देखने को मिल जाता है, जिसे दोस्तों आप कहीं भी चिपका सकते हैं, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे कहीं भी चिपका के रख सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैं साइड में रख देता हूं। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप सभी को एक चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने ब्लूटूथ को चार्ज कर सकते हैं। और यहां पर आप सभी को जो एंट ऑडियो का लोगो है, साथ ही में एंट ऑडियो की ब्रांडिंग भी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है और इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक दी गई है। तो चलिए इसे भी मैं साइड में रख देता हूं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेन हेडफोन है वो देखने में कितना ज्यादा शानदार लग रहा है। इसे दोस्तों मैंने ब्लू और ब्लैक कलर में मंगवाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस हेडफोन की जो कीमत है वो 1500 रुपए है और 1500 रुपए में दोस्तों इसमें जो आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलती है। काफी मजबूत किस्म की इसकी बिल्ड क्वालिटी दी गई है। यहां पर दोस्तों, जिस प्लास्टिक का यूज किया गया है वो प्लास्टिक काफी बढ़िया मटेरियल का बनाया गया है। साथ ही में दोस्तों, ये जो कुशनिंग दी गई है ये भी काफी बढ़िया किस्म की कुशनिंग दी गई है। इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, इतनी जल्दी फटेगा नहीं। और यहां पर भी दोस्तों आपको हेड प्रोटेक्शन के लिए भी कुशनिंग देखने को मिल जाती है और ये भी जो ऊपर वाला मटेरियल है ये भी काफी बढ़िया किस्म का दिया गया है। और यहां पर दोस्तों, आप सभी को एंट ऑडियो की जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर दोस्तों एल लिखा हुआ है जिसका मतलब लेफ्ट होता है और यहां पर आर लिखा हुआ है जिसका मतलब राइट होता है, जिससे दोस्तों आप सभी को पता लग जाएगा कि कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर एक बात लिखी गई है कि प्लीज रिमूव दिस लेवल एंड चार्ज 2 आवर बिफोर यूज। यानी दोस्तों, इसे आप 2 घंटे चार्ज कर लीजिएगा, जैसे ही आप खरीदेंगे ना इसे बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो दोस्तों इसे आप 2 घंटे जरूर से चार्ज कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो 100% चार्ज हो जाए। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस हेडफोन में आप सभी को काफी सारे बटन देखने को मिल जाते हैं और ये दोस्तों बेस बूस्टर बटन दिया गया है, जिसे दोस्तों आप प्रेस करके इसके बेस को बूस्ट कर सकते हैं। यहां से दोस्तों आप अपने हेडफोन को ऑन कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं और यहां से इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, दोनों तरफ आप सभी को एंट ऑडियो का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और दोस्तों, आप इसके साइज को इस तरीके से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से दोस्तों आप इसके साइज को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं और इस हेडफोन को दोस्तों आप कुछ इस तरीके से मोड़ के भी रख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपको इसे मोड़ के ट्रेवलिंग करना हो तो काफी आसानी से आप इसे मोड़ के भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी कैसी है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं जल्दी से एक सॉन्ग को प्ले कर लेता हूं। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.
तो दोस्तों आप सभी ने इसका साउंड और बेस सुन लिया होगा। इस हेडफोन को दोस्तों तकरीबन मैं 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों ये जो हेडफोन है मुझे साउंड और बेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। जितनी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है उतनी अच्छी दोस्तों इसकी साउंड और बेस क्वालिटी है। इस हेडफोन को दोस्तों मैंने 2 घंटे पबजी गेम के साथ ट्राई किया है, साथ ही में दोस्तों 1 घंटा दोस्तों मैंने म्यूजिक सुना था और 2 घंटे की मैंने मूवी देखी थी। तीनों मामले में दोस्तों ये जो हेडफोन है काफ़ी बढ़िया किस्म का हेडफोन है। अगर दोस्तों आप पबजी गेम खेलने के लिए इस हेडफोन को लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको एक एक फुट स्टेप के जो आवाज़ हैं साउंड है वो काफ़ी क्लियरली सुनाई देते हैं। साथ ही में दोस्तों इस हेडफोन की मदद से अगर आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते हो या फिर कोई बढ़िया किस्म की मूवी देखते हो जिसमें ग्राफिक्स अच्छे होते हैं साउंड इफेक्ट अच्छे होते हैं तो दोस्तों ये जो हेडफोन है काफी बढ़िया साउंड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में दोस्तों इसका जो बेस है वो भी काफी बढ़िया किस्म का दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अपने लिए 1500 के बजट में एक बढ़िया हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो इस हेडफोन को दोस्तों बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप इसे परचेज कर लीजिएगा या फिर आप इसे चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू।